प्लेग्राउंड और ये बाउंड्री पूरा करो तो मैं स्टेडियम का आपको दूंगा। तो और मैं गांव वालों से भी निवेदन करूंगा कि ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, सभी का काम है। बच्चियों को या इस व्यवस्था, इस बच्चियों की सेवा, ये माँ भगवती का रूप है, इसकी सेवा करना तो ये मनुष्य के अंदर समझो कहाँ ले जाएगा मनुष्य को, वो लाभ लेगा वही ले सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कार्यकर्ताओं को और समाज बंदियों से निवेदन करूँगा कि देखे नहीं, दर्शक नहीं बने, क्योंकि मैं देखता देखा कुछ मालूम पड़ा तो मैंने बता दिया, दर्शन नहीं बने, इस बच्चों की सेवा करें। जो ये हमारा सौभाग्य है चनौत का कि यहाँ ये पूरे संभाग जो जोधपुर डिवीजन है उसमें सभी जिलों से यहाँ पधारी और हमको सेवा का मौका दिया। ईश्वर ने भेजा ये मौका कि हम इसकी सेवा कर सकें, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें और पूर्ण रूप से आप सहयोग करें, तन मन धन से जो भी हो और सहयोग करें, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और जैसे भोजन के अंदर करावें तो भोजन के अंदर अरे ये लाभ कहाँ मिलेगा, नवरात्रि के अंदर तो हम बच्चियों को जिमाते हैं, ये लाभ आपके द्वार पे आया है उसका बहुत लाभ लो, और बच्चों को जिमाने का काम है वगैरह है, ये सब आप करते रहिए। दूसरे भी जैसे पानी का वगैरह जो यहाँ रहता है व्यवस्था में, कोई कहने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे को भोला नहीं है कहाँ नहीं है, आप पूर्ण योगदान पूरे तन मन वचन धन से जो भी मिले आप करते रहिए, और इस कार्यक्रम को पूर्ण ऐसा संभाग में ऐसा जान पड़े कि चढ़ोत के अंदर एक कार्यक्रम है, बहुत ही भव्य कार्यक्रम, बहुत ही सफलतापूर्वक आयोजन हुआ, ये ऐसा अपने का नाम रखना है चढ़ोत का, उसमें सभी छोटे बच्चे वगैरह भाई युवा सभी साथ रहे और इस योग कार्यक्रम का योगदान करें। दूसरा मैं माननीय कलेक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि ये इतना हमारे ठाकुर साहब सिमल सिंह जी की मेहनत है, जो ये इतना बड़ा ग्राउंड उन्होंने ऐसा प्रदान किया, अभी लगता होगा पहले कि ये बाहर है बाहर है, मगर ये चनौत के बीच में आ गई है, अभी ये यहाँ से चनौत चालू हो जाएगा तो कोई नहीं है, और इतना बड़ा ग्राउंड मैं समझता हूँ कि पाली जिले के अंदर पीछे भी इतनी आगे जगह है उतनी पीछे भी जगह है, तो पहले भी साहब ने एक पूरी बाउंड्री इसकी जो पीछे बाउंड्री नहीं है वो बाउंड्री 29 लाख की एक बाउंड्री नरेगा में आई हुई है, तो इसका भी जल्दी से जल्दी मैं चाहूँगा कि इसका काम चालू हो जाए, और एक 6 लाख का पीछे प्लेग्राउंड के लिए भी उसका आया है, उसका भी काम माननीय कलेक्टर साहब ने मुझे निवेदन किया था कि ये प्लेग्राउंड और ये बाउंड्री पूरा करो तो मैं स्टेडियम का आपको दूंगा, तो मैं माननीय कलेक्टर साहब के कहूँगा कि आगे एक स्टेडियम बन जाए तो बहुत ही एक उन्नत हो जाए, यही कलेक्टर साहब से निवेदन है। बाकी तो हमारे सभी SDM साहब हैं, कलेक्टर साहब हैं, जे तहसील में है, समिति में है, BDO साहब हैं, पुलिस विभाग में है, चाणूत को तो दिया ही दिया है, बहुत दिया चाणूत को, बहुत दिया, और अधिकारियों की मेहरबानी है, ये सब चाणूत के अंदर जो मिलता है, जो मिला है आज दिन तक वो अधिकारियों की मेहरबानी से है। पहले कलेक्टर साहब कुमार पाल गौतम जी ने बहुत कुछ दिया, उन्होंने पहले कलेक्टर साहब पधारे उन्होंने दिया, SDM साहब भी बहुत ही कहते हैं कि हम हमारा उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, आप चनौत के लिए हमारा उपयोग क्यों नहीं कर रहे, उल्टा हमको डांट पड़ती है कि ये मेरे पास काम लेके आओ। महिपाल जी भारद्वाज साहब थे, उन्होंने भी बहुत ही चनौत के ऊपर मेहरबानी रखी, तो मैं तो यही कहूँगा कि जो आप सभी अधिकारी विराजमान हैं, पुलिस विभाग से भी सभी हमारा सहयोग रहा, कभी भी कोई आज दिन तक 7-8-9 साल के अंदर कोई बिल्कुल कोई क्राइम के चनौत के हर प्रोग्राम शांति से संपन्न होते हैं, ये पूरा पूरा अधिकारियों का ही सहयोग और है, तो मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ सर सभी। और अभी मैं यही कहूँगा हमारे जो मेरे को थोड़ा दिखता है कि इन बच्चों के लिए थोड़ी व्यवस्था का आप सभी, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि थोड़ा सहयोग करें और इसको सफल बनाए। जय हिंद जय भारत।